नमस्कार। आज का विषय है सरफेस एनाटॉमी एंड हिस्ट्री टेकिंग ऑफ एंडोरेक्टल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रूट कॉज ऑफ एंडोरेक्टल डिजीज, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। लेटर ऑन वी सी इन द सेकेंड लेक्चर एज ए एनल फिशर इन चिल्ड्रन। बोथ द डिजीज आर very very common in pediatric OPD. Today we know about the surface anatomy and history taking of anorectal disease. Anorectal disorders make up about 20% of all pediatric OPD. These conditions are extremely distressing and embarrassing. Patients often put up with the symptoms for a long time before seeking medical care. लगभग जितने रोगी हमारे पास में ओपीडी में आते हैं उनमें से 20% पीडियाट्रिक ओपीडी जो पेशेंट होते हैं वह एनोरेक्टल डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं। अब इन बच्चों में जो सिम्टम्स होंगे और जो डिजीज होगी वो क्या होगी, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे वो हम देखते हैं। पहला सिम्टम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एनल ब्लीडिंग, गुदा में रक्त स्राव होना, एनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, गुदा में दर्द और डिस्कम्फर्ट होना, पेरी एनल ईचिंग एंड इरीटेशन, गुदा के आसपास खुजली और इरीटेशन होना, समथिंग कमिंग डाउन, गुदा से कुछ बाहर आना, पेरी एनल डिस्चार्ज या गुदा से किसी प्रकार का कोई स्राव होना। तो ये सिम्टम्स हमें अक्सर पेशेंटों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं जिसके लिए पेरेंट्स जो है पीडियाट्रिक ओपीडी में विजिट करते हैं। एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के अंदर जानने से पहले हमें एनल कैनाल और उसकी एनाटॉमी जाननी होगी, इसलिए यहाँ पर कुछ एनाटॉमी के विषय में बताया गया है। एनल कैनाल इज 1.5 इंच, दैट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स फ्रॉम द रेक्टम टू एंड ऑफ द एनल ओरिफिस। मिड ऑफ द एनल कैनाल रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म। जो एनल कैनाल का मिड पॉइंट है वह रिप्रेजेंट करता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच के जंक्शन को। अब हम देखेंगे कि गुदा को हमने दो भागों में बांटा जाता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो लोअर हाफ इज लाइंड बाय द स्क्विमस एपिथेलियम एंड इफ द कार्सिनोमा इज अकर इन दिस रीजन देन द कार्सिनोमा इज स्क्विमस ट्यूमर and the upper half is lined by the columnar epithelium and the carcinoma if occur in this region then it is known as adenocarcinoma. Now we come to the blood supply. Upper half of the anal canal is supplied by the superior rectal vesicles while the lower half of the anal canal is supplied by the inferior rectal vesicles. Inferior rectal vesicles derive from the internal pudendal artery. It is a branch of internal iliac vessel. Now the lymphatics of anal canal. Lymphatic above the mucocutaneous junction drain along with the superior rectal vesicles to the lumbar lymph node, whereas below this line drainage is to the inguinal lymph node. The nerve supply to the upper half is through autonomic plexus and lower half of the anal canal is supplied by the somatic inferior rectal nerves, terminal branch of the pudendal nerve. So the lower half is sensitive to prick the needle. Lower half of anal canal is very sensitive to any type of pricking. Now the anal sphincters. Anal sphincters is divided into the two parts, internal anal sphincters and external anal sphincters. So, hum dekhte hain first internal anal sphincters kya hote hain. It is a group of involuntary muscles which is the continuation of the circular muscles of the rectum. While the external sphincters is of the voluntary muscles which surround
the internal sphincters and having three parts. कौन कौन से तीन पार्ट हैं? Subcutaneous, the lower most portion of the external sphincters. Second is the superficial part. And third is the deep part. All the three parts are not considered as a muscles. तो इस तरीके से हम देखते हैं anal sphincters जो है दो भागों में बटा होता है, पहला internal, दूसरा external. कौन कौन सी ऐसी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में कॉमनली देखी जाती हैं, वो यहाँ पर एक उनके विषय में बताया गया है. एनल एप्सिस है, एनल कैंसर है, एनल फिशर, एनल वर्ट, कैंसर ऑफ द एनस, कैंसर ऑफ द रेक्टम, कॉन्डाइलोमा, एनलस पेपला, फीकल इनकंटेंस, फिशर, फिशुला इन एनो, हेमोराइड्स, लिवेटर सिंड्रोम्स, पाइलोनोडायसाइसिस्ट, पॉलिप्स, प्रोक्सीडेंशिया, प्रोक्टैल्जिया फ्यूगस, proctitis, pruritic ani, rectal prolapse, rectocele and warts venule. इनको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर एनोरेक्टल डिजीज गुदा के किस किस भाग में होती हैं, उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में देखने के लिए मिलती है, अल्सरेटेड कोलाइटिस अल्सरेशन के रूप में दिखाई देने के लिए मिलती है, पेडिंकुलेटेड पॉलिप्स आपको राउंडेड शेप में दिखाई दे रहा है, सेसाइल पॉलिप भी आपको दिखाई दे रहा है. अब इसी के साथ साथ में इंटरनल फिशुला हम देख सकते हैं कि इंटरनल फिशुला कहाँ से कहाँ तक आता है, इंटरनल हेमरॉइड्स ऑफ द टेंटेट लाइन, देन दिस इज द एनल रीजन. Here is you can see the fissure. Old heel fissure is seen as skin tap, yeah, sentinel tap. This is the anal opening during pruritus ani over here. Condyloma lata is over here. We can see on the buttocks nearby. External hemorrhoids we can see nearby anal opening. External fistula we can see which can open towards the surface of the buttock. Anal rectal abscess we can see over here. Annulus papilla above the dentate line. Crepitis is also seen over here. तो इस तरीके से ये सारी व्याधियां anal canal के किस किस भाग में होती हैं, इस चित्र में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. Come to the history. किस एज ग्रुप के अंदर कौन सी व्याधि ज्यादातर देखने के लिए मिलती है? Hemorrhoids common in all age but are not common below the age of 20 years. 20 साल से कम बच्चों में यह बहुत आयत देखने के लिए नहीं मिलती है. Perianal hematoma यह सभी प्रकार की एजों में commonly देखने के लिए मिलता है. Fissure in ano acute condition. It is very common in children. और अधिकांशतः महिलाएं या माताएं या पेरेंट्स अक्सर कंप्लेंट लेके आते हैं कि बच्चा जब भी मलत्याग करता है तो उसके साथ में उसको दर्द होता है और कई बार उसके साथ में ब्लड भी आ जाता है. तो दिस इज द फिशर फर्स्ट. एनोरेक्टल एप्सिस कॉमन बिटवीन द एज ऑफ 20-50 ईयर ऑफ एज. Pyelonidal sinus, rare before puberty. Kishoravastha se purv rare hoti hai and in pupil over the 40 year of age. Adhikanshate 40 saal ke upar ke manushyo mein dekhi jati hai. Which sex is responsible in anorectal disorders? Yahan dusre shabdon mein kahein ki common sex एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से हैं, कि कौन से डिसऑर्डर्स किस सेक्स को ज्यादा प्रभावित करते हैं. जैसे हम देख सकते हैं स्लाइड के अंदर हेमोरॉइड्स यह दोनों मेल और फीमेल्स में कॉमनली देखने के लिए मिलता है. पेरिएनल हेमेटोमा
सभी एजेस में और सभी सेक्स में समान रूप से देखने के लिए मिलता है। एनल फिशर या फिशर इन एनो इज कॉमन इन मेल। एनोरेक्टल एब्सेस इज आल्सो मोर कॉमन इन मेल। पाइलोनाइडल साइनस इज कॉमन इन मेल एंड रेक्टल प्रोलैप्स इज वेरी वेरी कॉमन इन फीमेल्स। ये जो भी केसेस अभी तक हमें एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में मिलते हैं उनके आधार पर ये कॉमन प्रिजम्पशन है। एग्जेम्पशन सभी जगह पर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्याधि फीमेल को नहीं हो सकती, लेकिन ये यहाँ पर अधिकांशतः वह व्याधियाँ बताई गई हैं कि जो कॉमनली पर्टिकुलरली सेक्स के अनुसार देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सिम्टम्स ऑफ द रेक्टल एंड एनल कंडीशंस जिसके साथ रोगी पहली बार ओपीडी के अंदर आता है, क्या पहला सिम्टम्स होगा? ब्लीडिंग, पेरिनल कैनाल, पेन इन एनल कैनाल, टेनिसमस या पेट में आठन होना, चेंज इन द बाउल हैबिट, कभी अतिसार हो जाता है, कभी हार्ड स्टूल आने लगता है, कभी सेमी सॉलिड स्टूल आने लगता है, चेंज इन द स्टूल, डिस्चार्ज कमिंग फ्रॉम एनल कैनाल, प्रोराइटिस मींस ईचिंग इन द एनल कैनाल। ये कॉमन सिम्टम्स के साथ में अक्सर जो है पेरेंट्स विजिट करते हैं पीडियाट्रिक ओपीडी के अंदर। कौन कौन सी ऐसी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में कॉमनली देखी जाती हैं, वो यहाँ पर एक उनके विषय में बताया गया है। एनल एप्सिस है, एनल कैंसर है, एनल फिशर, एनल वर्ट, कैंसर ऑफ द एनस, कैंसर ऑफ द रेक्टम, कॉन्डाइलोमा, एनलस पेपला, फीकल इनकंटेंस, फिशर, फिशुला इन एनो, हेमराइड्स, लिवेटर सिंड्रोम्स, पाइलोनाइडल सिस्ट, पॉलिप्स, प्रोक्सीडेंशिया, प्रोक्टेल्जिया फ्यूगस, प्रोक्टाइटिस, प्रोराइटिक एनआई, रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टोसील एंड वार्ट्स वर्नल। इनको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। Then, diagnosis of anal conditions which present with the rectal bleeding. If bleeding occurs but no pain, रक्तस्राव तो हो रहा है परंतु उसके साथ दर्द नहीं है, यहाँ कुछ conditions दी गई हैं। यदि blood mixed होकर के stool के साथ आ रहा है तो it can be carcinoma of colon. Blood sticked on the stool. और अगर पेन नहीं है तो इट इज सी ऑफ रेक्टम। ब्लड आफ्टर डिफिकेशन दैट इज हेमरॉइड्स और पाइल्स। ब्लड एंड म्यूकस देन इट कैन बी अज्यूम्ड एज कोलाइटिस। ब्लीडिंग विद पेन देन इट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ फिशर और कैन बी कैंसर ऑफ द एनल कैनाल। Most common cause of the rectal bleeding in patient who visit primary care physicians are hemorrhoids, fissures and polyps. For anal pain, क्या हम history लेते हैं? The diagnosis of anal conditions which present with pain. Pain alone. Pain after defecations and fissure. Pain spontaneously at night. Is seen in proctalgia fugus. Pain alone is in anorectal abscess. Pain is with bleeding, it's fissure. Pain with a lump, agar wahan par koi ubhar hai, koi vriddhi hai, ya koi lump hame mil raha hai, then it can be a perianal hematoma or anorectal abscess.
पेन विद लंप एंड ब्लीडिंग, पेन भी है, लंप भी है और ब्लीडिंग भी है, अगर तीनों चीज हमें देखने के लिए मिलती हैं तो इट कैन बी प्रोलैप्स्ड हिमरॉइड्स और द रेक्टम, और सेकेंड डिजीज हम यहाँ जो सोच सकते हैं दैट इज कार्सिनोमा ऑफ एनल कैनाल। एनरेक्टल एग्जामिनेशन हमें किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी पोजीशन अच्छी होगी, कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन द पेशेंट विद द एब्डोमिनल डिजीज, स्टिल इट्स द लीस्ट पॉपुलर सेगमेंट ऑफ द एंटायर फिजिकल एग्जामिनेशन, शुड नॉट बी ऑमिट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस, स्पेशली इन मिडिल एज्ड एंड ओल्डर पेशेंट्स। Why? Because the risk of missing an asymptomatic carcinoma. Anorectal examination can be done in numerous positions. First is Sims position. The patient lies on the left side with the left thigh slightly flexed and the right thigh acutely flexed on the abdomen, and left arm is behind the body with the body inclined forwards. And right arm is positioned according to the patient comfort. It is also known as lateral position. Sims position के अंदर क्या होता है? मैंने हम देखेंगे, आगे हमने चित्र भी बता दिखाए हैं इसमें कि patient को हम left करवट से लिटा देते हैं, बाईं करवट से, और साथ ही साथ थोड़ा सा उसको flexed कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और right thigh को मोड़ करके हम एब्डोमेन पे लगा देते हैं, और लेफ्ट आर्म जो होती है वो बॉडी से के पीछे होती है, और राइट आर्म जो होती है वो पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंगली होती है। वी कैन सी इन नेक्स्ट स्लाइड सिम्स रिकम्बाइंड पोजीशन के अंदर, ये भी सिम्स पोजीशन के समान ही होती है, या हम इसको कह देते हैं मॉडिफाइड लेट लेफ्ट लेटरल पोजिशन। यहां पर भी पेशेंट को लेफ्ट साइड लिटाते हैं करवट से, बाई करवट से लिटाते हैं, द अपर लेग इज फ्लेक्स्ड एट हिप एंड द लोअर लेग इज स्ट्रेट एंड द अपर आर्म रेस्ट इन फ्लेक्स पोजिशन ऑन द बेड। नीचे पोजिशन के अंदर हम देखेंगे पेशेंट rest on the knees and chest with head is turned to one side and arm extended on the bed, elbows flexed and resting so that they partially bear the patient weight, and abdomen remains unsupported through a small pillow may be placed under the chest. Niche position ke andar head ko ek taraf kar dete hain और आर्म को जो है बिस्तर से बाहर की तरफ रहती हैं, एल्बोज फ्लेक्स्ड रहती हैं, और पेशेंट के वो वेट को संभालती हैं, जैसा हम आगे की चित्र में देखते हैं। नी एल्बो पोजीशन के अंदर द पेशेंट रेस्टिंग ऑन द नीज एंड एल्बोज विद चेस्ट एलिवेटेड, चेस्ट यहाँ पर उठी हुई रहती है, वहां पर चेस्ट के सपोर्ट के लिए हम पिलो लगाते हैं नी चेस्ट पोजिशन के अंदर। Dorsal recumbent position of patient on the back with lower limbs flexed and rotated outwards, used in vaginal examinations, application of obstetrical forceps and other procedures. Dorsal recumbent position usually जो है vaginal examination में use की जाती है, जहां पर हम patient को पीठ के बल लिटा करके उसके दोनों lower limb को flexed कर देते हैं और बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जो वेजाइनल वाला पोर्शन है वो डायरेक्टली बाहर दिखाई देने लगता है और हम इजीली कोई भी प्रोसीजर्स कर सकते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द एग्जामिनेशन, बट इट इज नॉट यूजली ऑलवेज अवेलेबल। द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द लेग्स वेल सेपरेटेड एंड थाई एक्यूटली फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन एंड लेग्स ऑन थाइज। स्ट्रिपर मे बी यूज्ड टू सपोर्ट द फिट एंड द लेग्स। In next slide, we can see how these positions are seen.
दिस इज सुपाइन पोजिशन, जहां पर पेशेंट जो है अपनी बैक के सपोर्ट के साथ लेटा हुआ है। सिम्स पोजिशन के अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट को हमने बाई करवट दिलवाई, बाई करवट दिलवा करके जो पैर हैं और जो थाई हैं वो हम देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एंड जो राइट साइड वाला जो पैर है उसको हमने फोल्ड करके 90 डिग्री पर फोल्ड कर दिया है, और जो राइट हैंड है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गुदा इजीली दिखाई दे रही है हमें। दिस इज प्रोन पोजिशन, जहाँ पेशेंट अपने पेट के बल लेटा हुआ है। देन दिस इज नी चेस्ट पोजिशन, जहाँ हम देखेंगे पेशेंट अपने नीज और चेस्ट के भरोसे लेटा हुआ है। पेशेंट की चेस्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने तकिया लगा रखा है, और नी और एल्बो पोजिशन के अंदर यहाँ चेस्ट जो होगी वो उठी हुई होगी और एल्बो पोजिशन पेशेंट ले रखी होगी। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजिशन, जिसमें हम देखते हैं कि यह मेनली वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है या ऑब्स्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज की जाती है। पेशेंट को हम सुपाइन पोजिशन में लिटाते हैं, और सुपाइन पोजिशन में लिटाने के साथ में उसका नी और जो थाई है दोनों फ्लेक्स करके बाहर की तरफ रोटेट कर देते हैं, तो यहाँ इजीली हम कोई भी जो है एग्जामिनेशन वेजाइनल कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट और द प्रीफर्ड पोजिशन इन रेक्टल एग्जामिनेशन इज लिथोटॉमी पोजिशन, इन विच वी कैन सी द पेशेंट लाइंग डाउन बाई देयर बैक, flexed his hip at the knee and supported with some supporters, both the legs outwards and the anal canal is we can see easily. This is the best position. Except these, some positions are also given there here, such as standing positions, स्केटिंग पोजिशंस जमीन पर बैठते हुए, और सिटिंग पोजिशन के अंदर भी हम एनोरेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनोरेक्टल एग्जामिनेशंस हमें क्या क्या चीजें नहीं भूलनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ द प्रोसीजर्स एंड रीअश्योर द पेशेंट। पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उसका निजता और गोपनीयता की बात होती है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर कम्प्लीटली, प्रोसीजर की आवश्यकता और प्रोसीजर के विषय में पेशेंट को बता देना चाहिए। टेल द पेशेंट दैट इज यूजली अनकम्फर्टेबल बट नॉट पेनफुल, पेशेंट को बता देना चाहिए यह थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है लेकिन पेनफुल बिल्कुल भी नहीं। यदि पॉसिबल हो सके तो उसे इन्फॉर्म कंसेंट साइन करा लेनी चाहिए। इंश्योर एडिक्वेट प्राइवेसी, रोगी की निजता को ध्यान रखते हुए प्राइवेसी रखनी चाहिए। ऑब्टेन सर्विस ऑफ चैपरवन इफ एप्रोप्रिएट, एक्सपोज द पेशेंट फ्रॉम वेस्ट टू नी एंड एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट आर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनोरेक्टल एग्जामिनेशन इज प्लास्टिक ग्लव्स, the disposable gloves usually 7 number, lubricating jelly that should be the xylocaine jelly which anesthetize to the area along with good illumination by lamp. अब हमें क्या क्या देखना है। पहली चीज एक्सटर्नल, हम क्या क्या चीज देख सकते हैं नॉर्मली, और फिर गुदा पर स्ट्रेन करा करके हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, बाहर से ही एक्सटर्नल पाइल्स देख सकते हैं, स्किन टैग देख सकते हैं, एरेक्टर प्रोलैप्स देख सकते हैं, एनल फिशर देख सकते हैं, फिशुला देख सकते हैं, एनल वर्ट, कार्सिनोमा एंड साइन ऑफ इनकंटिनेंस और द डायरिया। ये हम सारी चीज़ें केवल देखते ही जज कर सकते हैं
कि ये कंडीशन जो है एनरेक्टल डिजीज में हैं। अब हम रोगी को कहें कि थोड़ी सी गुदाक की तरफ स्टेंट डालें, तो जैसे ही वह स्टेंट डालता है हम क्या क्या चीजें एग्जामिन कर सकते हैं वो देखते हैं। रेक्टम प्रोलैप्स, हेमोराइड प्रोलैप्स, इनकंटिनेंस। यदि स्टेनिंग पेनफुल है तो हम वहां पर स्टेनिंग को अवॉइड कराएंगे, स्टेनिंग नहीं कराएंगे। नाउ वी पालपेट देन रेक्टम। बिफोर पालपेशन वी लुब्रिकेट अवर इंडेक्स फिंगर, इंसर्ट द फिंगर स्लोली, असेसिंग इस एक्सटर्नल स्फिंक्चर टोन एज अर्ली, रोटेट फिंगर पालपेटिंग अलोंग लेफ्ट पोस्टीरियर एंड द राइट वॉल्स। गुदा के अंदर उंगली डालने के बाद में बाईं तरफ, पीछे की तरफ और आगे की दीवारों पर को पालपेट करें। जब उंगली को बाहर निकालें तो जो भी लुब्रिकेंट लगाया हुआ है उसको साफ कर दें और आस्क इट वाज सिग्निफिकेंट पेन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्या रोगी को एग्जामिनेशन के दौरान कोई पेन हुआ है? यदि हुआ है तो उसके विषय में चर्चा करें। देन वी सी कि जो हमने फिंगर विड्रॉन की थी उस फिंगर टिप पर क्या लग करके आया है, क्या वहां पर ब्लड या मिलेना लगा हुआ है, या स्टूल का कलर कैसा है फिंगर टिप पर जो लगा हुआ है, क्या कोई वहां कोई पस तो नहीं लगा हुआ है या कोई म्यूकस तो नहीं लग करके आया है। ये सारी चीजें हमें अपनी फिंगर टिप पर देखनी है। इसके साथ ही अदर एग्जामिनेशन वुड बी सिस्टमेटिकली परफॉर्म्ड एंड डिपेंड ऑन द केस यू हैव। एग्जाम्पल स्वेलिंग सच एज एनरेक्टल एब्सेस और अल्सर्स, तो गो अहेड विद दीज। तो इस तरीके से हम एनरेक्टल एग्जामिनेशन में इन इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अदर एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स। थैंक यू वेरी मच।